तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पेस्ट स्पेशल। जैसे हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम कहीं भी पेस्ट करते हैं तो जैसा डेटा है उस तरह से डेटा पेस्ट जाता है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है तो हमेशा रैंडम नंबर चेंज करता है, प्लीज कन्फ्यूज मत रहिएगा। तो इसमें क्या है कि कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल क्या है, आपको अलाउ करता है कि इस डेटा में से किस किस चीज को, मतलब क्या पार्ट, किस पार्ट को पेस्ट करना है। पूरा डेटा पेस्ट नहीं करना चाहते, किसी पार्ट को पेस्ट करना चाहते हैं, राइट। अगर मैंने इसको फॉर्मूला सेलेक्ट करके ओके किया, जस्ट इसका फॉर्मूला पेस्ट होगा। अगर फॉर्मूला के मतलब एक बार बहुत से लोग बोलते हैं कि नेम पूजा, इसमें तो फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको करेगा, ठीक है, चाहे फॉर्मूला हो या नॉर्मल डेटा। बाकी जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग मतलब जो कलर है, बॉर्डर है, फॉन्ट है, ये सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देगा, बट फॉर्मूला लाएगा। देखिए, मुझे फॉर्मूले को भी रिमूव करना है तो पेस्ट स्पेशल में हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे वैल्यू। क्या सिलेक्ट करेंगे? वैल्यू। तो वैल्यू क्या करेगा? वैल्यू फॉर्मूले को भी रिमूव कर देता है। जैसे नॉर्मल टाइपिंग होता है ना, उस तरह से पेस्ट करेगा, राइट सर। तो कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कीजिएगा तो जैसा है उसी तरह से पेस्ट होगा। राइट सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यहां डेटा है मुझे इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं करना। मुझे इसको कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट करने से क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है इसी की फॉर्मूला को रिप्लेस कर दे। मतलब कि अगर आपको किसी चीज, किसी फॉर्मूला रिमूव करना है, आप चाहते जो फॉर्मूला यहां जो लगा है वो रिमूव हो जाए, तो हम इसका यूज करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं पेस्ट एज ए वैल्यू। अब इसका यूज हम ऑफिस में बहुत करते हैं। अगर हम ऑफिस की बात करें तो मान लीजिए मैं कोई डेटा कोई रिपोर्ट ओपन करती हूँ, चलिए मैं आपको फाइनेंशियल डैशबोर्ड जो है मैंने ओपन कर दिया। अरे डैशबोर्ड देखिए कि बहुत फॉर्मूला से आया हुआ है और ए इस डेटा से लिंक है। अब मुझे सिर्फ इस सीट जो है आपका रिपोर्ट सीट है इसी को मेल करना है। हम पूरी फाइल मेल नहीं कर सकते, दो रीजन से। पहला कि ए सीट काफी बड़ा है, कहीं काफी लंबी डेटा है तो मेल पे शायद ना जाए, और दूसरा कि डेटा हमारा सिक्योर है, हम क्लाइंट को चाहे आउटसाइडर को हमें डेटा शेयर नहीं करेंगे, हमें सिर्फ रिपोर्ट शेयर करनी है। तो हम राइट क्लिक करते हैं सीट के ऊपर, सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी पे चले जाते हैं, और यहीं पे आपको न्यू बुक दिखेगा। क्या दिखेगा? न्यू बुक। अब इस न्यू बुक पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ क्रिएट कॉपी पे हमने क्लिक कर लिया, न्यू बुक पे किया यहाँ नीचे क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर लिया, देन ओके। आप देखिए आपके सामने एक नया फाइल के अंदर में पेस्ट हो गया है जिसमें डेटा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे इस फाइल से लिंक्ड है। अब ये मान लीजिए मेरे सिस्टम को परफॉर्म कर रहा है कि मेरे सिस्टम पे फाइनेंशियल डैशबोर्ड की फाइल है, बट आपके सिस्टम पे ये परफॉर्म नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम में ये आपका फाइनेंशियल डैशबोर्ड की फाइल अवेलेबल नहीं है। तो मुझे फॉर्मूला रिमूव करना है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि टुकड़ों में फॉर्मूला, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, तो एक एक करके रिमूव करना होगा, जरूरी नहीं है। आप यहाँ कॉलम ए के बगल में रेक्टेंगल होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी।
आप कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू कर दीजिए, पेस्ट वैल्यू, सारा फॉर्मूला आपका रिमूव कर देगा। देखिए कर दिया इसने। अब इसको सेव करके जिसको मेल करना है आप उसको मेल कर सकते हैं। इसको इसको आपने कॉपी कैसे किया दोबारा बताइएगा। हमने ए के बगल में जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, नहीं नहीं वो तो पेस्ट मैंने देख लिया कैसे किया, लेकिन कॉपी कैसे करके लाया है यहाँ पे न्यू शीट के अंदर। हमने राइट क्लिक करके मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, और यहाँ पे हमने नई फाइल सिलेक्ट कर ली, न्यू बुक। ओके ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। चलिए किसी सीट को कॉपी करने का होता है, क्योंकि यार सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाता है, ऐसे मूव कर देते हैं, मूव एंड कॉपी कर देते हैं तो पूरा सेम फॉर्मेट से पूरा हर एक चीज सेम होता है। तो पेस्ट जो वैल्यू समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, पेस्ट एज ए वैल्यू के बाद हमारा अगला टारगेट है कि हम पेस्ट एज ए करें, फॉर्मेट करें। फॉर्मेट से सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट होता है, डेटा नहीं। उसके बाद हम कमेंट की बात करते हैं। जैसे मार्क्स आपको दिख रहा है तो इसमें हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं, जैसे मार्क्स पे हम कुछ इंफॉर्मेशन एडिशन डालना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना प्राइस पे स्टार लगा होता है उस टाइप का। तो यहां पे राइट क्लिक करेंगे और यहां पे दिखेंगे न्यू कमेंट, यहां पे डाल देते हैं कि दिस इज फाइनल मार्क्स, और एंटर प्रेस कर देते हैं या फिर इस पे क्लिक कर देते हैं। आ गया, ये कब दिखेगा, जब मुझे इस पे कर्सर माउस पॉइंटर जैसे ले जाऊंगा तो दिखेगा, माउस पॉइंटर हटाऊंगा तो ये हाइड हो जाएगा। तो मैं इसको कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इस पे मैं करता हूं अपना कॉलम, नहीं सॉरी यहां कमेंट, कमेंट जस्ट कमेंट पेस्ट होगा, बाकी कुछ पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ पेस्ट होगा तो कमेंट पेस्ट होगा। अब कमेंट के बाद अगला ऑप्शन आता है कि मुझे सब कुछ पेस्ट करना है बट बॉर्डर को पेस्ट नहीं करना है। यहां पे देखिए ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर करके आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लिया एंड ओके किया, ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर में सब कुछ आया बट बॉर्डर नहीं आया। दूसरी चीज रखिएगा, क्या होता है कि हम लोग अपने डेटा को ऑटो फिट कर देते हैं, डबल इस पे डबल क्लिक कीजिएगा ना सर, मतलब जो पॉइंटर होता है इसका बॉर्डर होता है कॉलम का, उस पर क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिट होता है। ऑटो फिट से क्या होता है कि कॉलम में जितना बड़ा वैल्यू डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो साइज को फिट कर लेता है। इसका यूज हम लोग करते हैं ताकि जब हम प्रिंट आउट निकाले तो या व्यू हो तो एक पेज पे व्यू होना चाहिए। अब हम इसको कॉपी करके किसी अनोदर जगह पे पेस्ट करते हैं, अनोदर शीट पे पेस्ट करते हैं तो इसका कॉलम विड्थ पेस्ट नहीं होता है। तो नतीजा क्या होता है कि फिर से हमें ऑटो फिट या कॉलम को साइज सही करना होगा ताकि एक पेज पे व्यू हो जाए। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल करते समय हम यहां पे कॉलम विड्थ को ले लेंगे। कॉलम विड्थ पे हमने क्लिक करके ओके कर दिया तो कॉलम की साइज को पेस्ट कर दिया। अब यहां ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पेस्ट कीजिएगा पेस्ट स्पेशल में तो आप यहां पे कॉलम विड्थ के जरिए सिर्फ कॉलम की साइज ही पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। डेटा के लिए दोबारा आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर लें तो ये आपका दोबारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है डाउट इसमें? नहीं 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 क्लियर हो गया। लेकिन आप चाहते दोनों एक साथ पेस्ट हो जाए, आपके आपके पास लेटेस्ट 13-16 का वर्जन है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी करें और जहां पेस्ट करना है वहां पे देखिए यहां आइकन्स के जरिए भी पेस्ट होता है।
तो आइकन्स में हमने ये आपको दिख रहा होगा कीप सोर्स कॉलम विड्थ, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये आपका विड्थ पेस्ट होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े सर। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, अगर मान लीजिए यहां पे हमने डेट डाला हुआ है, राइट, ठीक है, इसमें कोई डेट होता है और डेट को जब आप वैल्यू पेस्ट करते हो ताकि इसकी फॉर्मूला और फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए, तो यहां पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहां पे पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो नंबर आ जाता है। अब पहले भी इस चीज को जानना जरूरी है कि नंबर है क्या, पता है सर नंबर क्या है? नहीं नहीं बेसिकली नंबर है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम स्टार्टिंग द कैलेंडर, कंप्यूटर कैलेंडर, मतलब जब से कंप्यूटर की कंप्यूटर कैलेंडर बनी है तब से और जो डेट डली है तब तक कितने नंबर ऑफ डेज हुए। कंप्यूटर कैलेंडर कब से बनी है? 1 जनवरी 1900, मतलब कि आप यहां 1 लिख दीजिए, मतलब कि एक दिन, मतलब कंप्यूटर कैलेंडर का पहला दिन, और इसके ऊपर किसी भी तरह का डेट फॉर्मेट अप्लाई कीजिए तो ये आपको 1 जनवरी 1900 दिखा देगा। ऐसे में यहां पे 32 डाल दूं तो ये देखिए महीना चेंज हो गया, फर्स्ट 5 हो गया ना, और साल चेंज कर दूं तो ये आपका ईयर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे मैं 44,001,13 डे लिखा तो 1 जुलाई हो गया, हो गया ना, हो गया। अब इसमें एक चीज और आता है, ये तो ठीक है, इसके बाद एक चीज और आता है इसमें कि ऐसा किया क्यों गया, प्रोग्रामर ने ऐसा क्यों किया कि डेट का इस तरह से क्यों किया, क्योंकि तो डेट दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, दिख रहा है आपको 1 जुलाई 20 बट एक्चुअल में है 4 11 0 13। ऐसा इसलिए किया गया कि किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसके ऊपर आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो इसमें तो हम प्लस कर रहे हैं, फॉर्मूला हमेशा ओरिजिनल वर्क करता है, तो बेसिकली ये दिख रहा है 1 जुलाई और ये भी दिख रहा है 21 जुलाई, अगर मैं इसमें जनरल कर दूं तो एक्चुअल में 4403 और 4433। ठीक है, ठीक है, जब हम इसमें डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, सुनिए इसमें डेट का डिफरेंस है डेट्स का, 1 जनवरी 1900 से लेके आज की डेट तक का डिफरेंस। जी हाँ, जी हाँ, सही नंबर ऑफ डेट, जब हम डेट का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो डेट का फॉर्मेट इस तरह से चेंज करके एक डेट आपको दे देता है, ठीक है, लेकिन जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, क्या बोला गया है, रिमूव ऑल फॉर्मेट, तो डेट भी एक तरह का फॉर्मेट है इसलिए उसको भी रिमूव कर देता है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पे एक चीज और भी है कि आपको मानेंगे जब वैल्यू पेस्ट करने के बाद वापस आपको डेट का फॉर्मेट लगाना होता है, तो आप वैल्यू के जगह पे या फॉर्मूला के जगह पे फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट का यूज करें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी कोई और फॉर्मेटिंग नहीं आएगी बट डेट टाइम नंबर करेंसी इसका फॉर्मेट आपको लेके आएगा, नंबर फॉर्मेटिंग इसको कहते हैं, इस सारे फॉर्मेट्स आपका कॉपी पेस्ट होगा,
बाकी जो फॉर्मेटिंग है कलर डेट बॉर्डर वगैरह वो पेस्ट नहीं होगा। तो मैं दोबारा बताता हूं कि अगर आपके डेटा में ऐसा लगा कि डेटा के अंदर कोई वैल्यू कोई डेट है टाइम है करेंसी है उसको सेम रखना है तो वैल्यू के जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल कर। ओके सर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी में। अगला कैटेगरी है ऑपरेशन का। जैसे यहाँ पे 20 लिखा है और यहाँ पे 30 लिखा है। अगर मैं 20 को 30 पे पेस्ट कर दिया तो 30 रिप्लेस बाय 20। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ ऐड, तो अब रिप्लेस नहीं होगा, अब दोनों के बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट आपका 50 यहाँ पेस्ट हो गया। मतलब कि ऑपरेशन के पेस्ट स्पेस में करते समय एक सेकंड सर जी, 1 सेकंड ना। अभी अभी आप ऑपरेशन में आने से पहले वो जो पीछे है, ओके सुनिए, मैंने इसको कॉपी किया, इसके ऊपर पेस्ट किया, तो कॉपी कहाँ से हो रहा है? कॉपी हो रहा है 20 और पेस्ट कहाँ हो रहा है? 30। अगर मैंने सेलेक्ट कर लिया ऐड तो कॉपी 30 हो रहा, कॉपी 20 हो रहा है, पेस्ट 30 पे हो रहा है, तो दोनों के बीच में ऑपरेशन करेगा मैथमेटिक्स और एडिशन सेलेक्ट किया तो एडिशन देगा और 50 रिजल्ट आया तो 50 यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसका यूज क्या होता है मैं आपको इसका यूज एक बताता हूँ। हालांकि एक यूज तो आपने किया ही था, फिर भी एक यूज आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे नेम कुछ दे देता हूँ और यहाँ पे हम सेल्स दे, नहीं एक मिनट एक एग्जाम्पल अलग ना। क्या है कि हमारे एक कलीग थे वो मुझे कुछ डेटा भेजते थे, तो उसको समझने से पहले आपको समझना होगा परसेंटेज कि एक्सेल में परसेंटेज क्या है। अगर आपने यहाँ पे 20% लिखना है तो 20 और परसेंट का सिंबल दीजिए तो 20% हो जाएगा। अगर आपने 20 को लिखा और इसके ऊपर परसेंट का सिंबल दिया तो आपको हो जाएगा 2000%। ओके, तो इसको ऐसा क्यों हुआ? हाँ, इसका ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि 1 = 100% होता है एक्सेल में। तो अगर आपको बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो 0.20 लिख के फिर परसेंटेज लगाना हो। ठीक है, एक कलीग थे जो मुझे कुछ कुछ कैलकुलेशन भेजते थे, कुछ कमीशन का परसेंटेज मुझे भेजते थे, वो क्या करते थे हेडिंग हमारा परसेंटेज में लगा देते थे इस तरह से, लेकिन एक्चुअल में ये होता परसेंटेज था, 35% था, 46% था। ठीक है सर, तो हमें क्या करना होता था इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता, हम मैनुअल इसमें जाकर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हमने क्या किया कि एक सेल के ऊपर 100 को टाइप कर दिया। अब इस 100 को कॉपी किया और पूरे डेटा के ऊपर सेलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल और इसमें हमने कर दिया डिवाइड। सारा नंबर 100 से डिवाइड हो गया तो जो 35 था वो 0.53 हो गया, 35 हो गया, सॉरी। ओके जी, अब इससे परसेंटेज डाल दीजिए। अगर दूसरा एग्जांपल बताऊं तो मेरे पास कुछ सेल्स के डेटा है इस तरह से, प्रोडक्ट है और यहां पे सेल्स की क्वांटिटी आई हुई है, कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है। ओके,
अब मुझे इसको कॉपी करके यही मान लीजिए इसको मुझे अब जो है इसमें मुझे सॉरी मैं मेल कर रहा हूं तो बॉस ने बोला नहीं मुझे इस पे मेल नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं पता करना है कि पूजा ने प्रोडक्ट वन कितना सेल किया है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताइए कि पूजा को सैलरी जो सॉरी जितना परसेंटेज असाइन मैं क्या बोल रहा हूँ जितना टारगेट असाइन किया गया है उसका कितना परसेंट उन्होंने अचीव किया है। मतलब कि पूजा को प्रोडक्ट वन के लिए 48 टारगेट असाइन किया गया था बट उसने 58 किया, P2 के लिए 38 असाइन किया गया था बट 36 किया, P3 के लिए 50 असाइन किया गया था 38 हुआ। तो मुझे क्या करना होगा कि इसको 48 से डिवाइड करना है, इसको 38 से डिवाइड करना है, इसको 50 से डिवाइड करना है, ऐसे सिक्वेंसली यहां इस तरह से बढ़ता जाएगा और नीचे की तरफ भी, समझे? एक एक करके मैनुअल होगा, मुझे इसी पे दिखाना है। तो हमने क्या किया कि पूरे एरिया को कॉपी किया और इसके ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसी में हमारे सामने आता है डिवाइड। तो एक डिवाइड सिक्वेंसली होगा 55 को 48, 36 को 38, आपका 88 को 50, 79 को 30, 86 ऐसे डिवाइड करके आपके सामने रिजल्ट दे देगा। समझ गए सर? ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं, इसे सर मल्टीपल टू मल्टीपल को भी कॉपी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा स्किप ब्लैंक। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं और ओके। एक मिनट, मेरा क्वेश्चन है, हम जब पेस्ट स्पेशल करते हैं, ठीक है, क्या क्या ऐसा पॉसिबल है कि पेस्ट स्पेशल के अंदर मेरे लिए मैं उसको जो फॉर्मेटिंग है मेरी वो भी हो जाए और जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो भी हो जाए? तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर दीजिए ना फिर तो सब कुछ आएगा। नहीं तो फिर मेरा सोर्स डेटा नहीं आएगा उसके अंदर। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं ये डेटा आपका राइट मुझे चाहिए, मुझे इसके अंदर फॉर्मूले फॉर्मेटिंग भी लगे हुए हैं, ठीक है, सेल फॉर्मेटिंग भी चाहिए का दोनों ही रेफरेंस चाहिए। है, ठीक है। ओके तो जैसे कि ओके 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 समझ गया जैसे कि आपने यहाँ पे किसी और सेल को लिंक किया हुआ है बिल्कुल, लिंकिंग लिंकिंग हुई है, बहुत एक्सट्रीम लिंकिंग हुई हुई है, हर सेल के साथ कुछ ना कुछ लिंक हुआ हुआ है। तो कॉपी करके अगर पेस्ट करते हैं तो आपका लिंक चेंज हो जा रहा है, जैसे कि यहाँ लिंक को एरर दे देगा। N2 था और यहाँ पे आपका J17 होगा। तो इसको याद होगा मैंने आपको पहली क्लास से बताया था डॉलर साइन, तो आपको जितने भी रेफरेंस है जो लिंक है उसको डॉलर साइन लगा देना होगा फिर आपको पेस्ट करना होगा, समझे? ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ नंबर्स दे देते हैं। आपको डॉलर साइन यहाँ पे डॉलर साइन लगाना होगा राइट। कॉपी ठीक कीजिए है, ठीक और कहीं भी पेस्ट कीजिएगा तो आपका N2 ही लिख रहेगा, देखिए। है। तो अब किसी एक के ऊपर डॉलर साइन लगाने की बजाय मैंने सारा वर्कशीट सब का पे काम लगाना कर पड़ेगा। दिया। नहीं, जो एरिया कॉपी कर रहा है सबको लगाना पड़ेगा आपको, एक पे नहीं मैंने एक पे ही लगाया हुआ, देखिए यहां भी डॉलर साइन लगा। नहीं, मुझे मुझे मैनुअली सबके ऊपर वो डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। ड्रैग कर दीजिएगा ना, ये ऊपर लगा के नीचे तब ड्रैग कर दीजिए, हर सेल में अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी लगा होगा आपको, यहाँ अलग फॉर्मूला होगा यहाँ अलग होगा यहाँ अलग होगा, हाँ यही तो है ना, अलग अलग हो गया ना फॉर्मूला। तो अलग अलग है तो मैं हाँ जी, अगर अलग अलग है तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। फॉर्मूला उठ के जाएगा
आपको फॉर्मूला अगर आपने कॉपी पेस्ट करके जाते हैं तो उसका रेफरेंस तो चेंज होगा ही होगा। रेफरेंस चेंज हटाने का एक ही तरीका है, डॉलर साइन लगाना, कोई और तरीका नहीं है। मच गया, ठीक है, इसका कोई और तरीका नहीं डॉलर साइन करना। हाँ, कट करके ले जाएंगे, नहीं कट तो नहीं कर सकते। तो कट करके ले आएंगे तो ठीक है, तब वो मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मैं मेरे इसका कोई क्वेश्चन होगा ना तो मैं कल आपसे इसके बारे में ना क्वेश्चन करूंगा। अगला सवाल हमारे पास है स्किप ब्लैंक। जैसे मेरे पास डेटा है, दिख रहा है आपको, इसमें क्या है, ऐसे कॉलम वाइज डेटा है, तो इसमें पता चला कि 45 जगह के 45 के जगह पे 65 होना चाहिए था, 36 जगह पे 85 होना चाहिए, इसके जगह 65 होना चाहिए था। इस तरह से अपडेट हमें मिले हुए हैं। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैनुअली आप इसको कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, फिर इसको कॉपी करोगे, फिर इसको पेस्ट करोगे, तो काफी टाइम लग जाएगा ना। हाँ जी, इस जगह पे हम इसको पूरे कॉपी किया और इस पे सेलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमने कर दिया स्किप ब्लैंक। अगर आप स्किप ब्लैंक कर देते हैं तो क्या होगा, जो ब्लैंक लाइन है वो स्किप हो जाएगा, मतलब कि उसको कॉपी से बाहर रखेगा, कॉपी से बाहर रख देगा जो ठीक ब्लैंक है है, ठीक है। ठीक एंड अब यहां पे अगर हम बात करें, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, तो राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हमारे सामने ट्रांसपोज होता है, जो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में एंड वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में करता है। समझ गए सर? ठीक, समझ गया मैं। ये था हमारा पेस्ट स्पेशल का टॉपिक। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, और कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लीजिए।